आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, और ए अली तुझसे जो भी बुग्ज रखेगा वो मुनाफिक होगा, तुझसे मुनाफिक बुग्ज रखेगा मोमिन मोहब्बत करेगा। आप तसव्वुर कीजिए, ये ईमानियात में से है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे अली मुश्किल कुशा लफ्ज आपने सुना होगा, क्या कभी अबू बकर के लिए लफ्ज सुना, क्या उस्मान के लिए या उमर के लिए सुना? अब वो अली मुश्किल कुशा लफ्ज कहने वाले जो ये लफ्ज की इजाद किए हैं और ये जो नारा लगा रहे हैं, अली बेड़ा पार कराएगा का जो नारा लग रहा है, ये सारे नारे उन्होंने इन हदीसों से इस्तेलाल किए हैं जो हदीस में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत है। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين। محترم سامعین حضرات, ناظم جلسہ کی زبانی آپ لوگوں نے میرا موضوع سنا ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق, آپ کے فضائل کے متعلق چند ایک باتیں مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ عام طور پر हम जिस जगह रहते हैं, जिस शहर में, यहाँ अगर ग्राउंड लेवल की हम बात करें लोगों के नज़रियात की या ख़्यालात के, तो कई एक दफ़ा लोगों से ये बात सुनने को मिलती है अहले हदीस के मुताल्लिक, अहले हदीस के ही बास नौजवानों के ज़रिए, कि ये लोग अहले बैत की फजीलत नहीं बयान करते हैं, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत नहीं बयान करते, हज़रत हुसैन व हसन की या फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की फजीलत जो है नहीं बयान करते। मैं समझता हूँ कि जब से मैं इंदौर के अंदर हूँ, तकरीबन 14-15 साल हो गए, और माह मुहर्रम में आशूरा की मुनासिबत से जो भी प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ हो जिसमें अहले बैत की या अहले बैत के किसी फ़र्द की फजीलत ना बयान की गई हो। मुझे अब तक याद नहीं कोई एक ना एक मौजू, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी प्रोग्राम होता है एक मौजू इस ताल्लुक से ज़रूर रहता है। इससे पहले भी मैं इस मस्जिद में इसी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की फजीलत में बोल चुका हूँ। मैंने शेख अमानुल्लाह की ज़बानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में इसी मस्जिद में सुन चुका हूँ, मौलाना शकील साहब की ज़बानी भी सुन चुका हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोलते हैं, बाहर से आए हुए जो खसूसी मेहमान होते हैं, जो कभी आते हैं वाज़ो नसीहत के लिए, उनको भी ये मौसू दिए जा चुके हैं। मुझे याद है बहुत पहले की बात कि शेख जलालुद्दीन हफिज़हुल्लाह को अहले बैत की फजीलत पे मौजू दिया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह दो नशिस्तों में उस मौजू की यहाँ पर वजाहत की थी, असर के पहले भी, वक्त की किल्लत के बाद असर के बाद भी कुछ वक्त उन्होंने लिया था। तो अव्वल ये महसूस करना कि अहले बैत की या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की या उनसे मुताल्लिकीन की फजीलत नहीं बयान की जाती, ये एक झूठा हुआ है, झूठा वसवसा है। और मालूम कुछ वक्त पहले ऐसी बातें बहुत ज़्यादा चलने लगी थी कि हज़रत अली की फजीलत क्यों नहीं होती, हसन हुसैन की क्यों नहीं होती है। उस वक्त हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने उनकी फजीलत बयान भी की, लेकिन मैं एक ज़िद्दी बन के रहा कि नहीं, किसी के कहने से इस अंदाज़ में मैं नहीं बयान करूँगा कि कोई दबाव बनाए तो उसके दबाव में आकर हम वो चीज़ बयान करना शुरू कर दें। मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ बाज़ अहले इल्म ने खुतबे दिए इनकी फजीलत में, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दिए, लेकिन जो उसका वक्त मुतय्यन हुआ उस चीज़ के ताल्लुक से खुतबा देने का, वो मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। वो एतराज़ करने वालों के दबाव में वो फजीलत बयान की गई है, वो मुनासिब नहीं था। ये फजीलत खुद अपने दिल से निकलना चाहिए, अपनी मर्जी से निकलना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं। दूसरी एक चीज़ इसी चीज़ के मुतालिक, इसी के मुतालिक, ये तसव्वुर करना कि किसी शख्स की फजीलत में एक खुतबा पूरा ना दिया जाए या मखसूस एक बयान मुकम्मल ना किया जाए,
तो मतलब ये कि उनकी अहमियत इनके अंदर मौजूद नहीं है, ये उनकी फजीलत के कायल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये तो बड़े जुल्म वाली बात होगी। अगर इस चीज को तय कर लिया जाए कि बात ऐसी ही है कि किसी शख्स की फजीलत में आप एक पूरा बयान नहीं करते, एक पूरा खुतबा नहीं देते, तो मतलब इसका कि आप उससे मोहब्बत नहीं रखते हो। तो इस तरह तो बहुत सारे सहाबा इकराम छूट जाएंगे, तो क्या नाउज़ बिल्ला हम लोग उनसे मोहब्बत नहीं रखते? अरे लाख की तादाद में सहाबा इकराम मौजूद है, क्या एक एक करके जब तक हर सहाबी का नाम ले लेकर उसके नाम से मखसूस एक प्रोग्राम ना हो तो क्या वो उसकी मोहब्बत ना होने का सबूत हो जाएगा? मैं कहता हूँ आज तक हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के बयान सुने होंगे, खिताब सुने होंगे, ऐसे लोगों को भी जो हमको महबूब व पसंदीदा हैं, ऐसे लोग जिनसे हम उतनी वालहाना मोहब्बत नहीं रखते उनकी भी बातें सुनी। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अकेले तनहा सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में मौजूद है। तस्करा तो तमाम सहाबा का है लेकिन नाम इस एक अकेले सहाबी का कुरान में मौजूद है। कितने लोगों से आज तक इनके बयान में आपने खुतबा सुना मालूम? कौन सा बयान आपने सुना जो इनकी फजीलत में एक मखसूस बयान दे दिया गया हो? तो क्या मतलब इस उम्मत के किसी भी शख्स को हज़रत ज़ैद से मोहब्बत है ही नहीं? तो ये जो पैमाना बना लिया गया ना, जब तक एक पूरा खुतबा या पूरा एक दर्स, पूरा एक बयान अहले बैत की शान में या हज़रत अली की शान में ना हो तो वो सबूत बन जाएगा कि भाई उन लोगों को मोहब्बत नहीं है। ये गुमराही है, ये गुमराही है। और नाराज नहीं होइएगा, ये राफजियत है जो सीनों में कहीं ना कहीं दाखिल हुई और उसने हमारे दिल में ये सवाल पैदा कर दिया। तीसरी एक चीज इस ताल्लुक से और आती है, उसको भी जरा समझते चलें। बाज़ अहबाब की जबानी भी सुनना मिला, लोग कुछ शिया वाइजों की ऐसी तकरीरों की क्लिप भी व्हाट्सएप में डालते हैं। कैसे वो लोग बतलाए कि आप सुनोगे लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बयान करते, हज़रत उमर की फजीलत बयान करते, उस्मान की बयान करते, फला की बयान करते, हज़रत अली की अगर नहीं बयान करते तो ये नासिबियत है। क्या फला फला सबका जिक्र हो गया, हज़रत अली का जिक्र नहीं हुआ तो क्या हुआ? उस पर नासबी होने का हुक्म लगा दे। अल्लाह ने कभी तौफीक दी तो इंशाल्लाह रावजियत और नासबियत के ऊपर एक जामे बयान आपके सामने रखूंगा। ये जो आजकल एक खिलौना बन गया ना, ये दोनों लफ्ज बड़ी आसानी के साथ कोई किसी पर भी चस्पा कर देता है, उसकी हकीकत को कोई भी नहीं जानता। दोनों फरीक नहीं समझ रहे आज कि नासबियत और रावजियत ये लफ्जों की हकीकत क्या है। बड़ी आसानी से किसी के बारे में जुमले बोल देते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अगर दोस्तों यही बात है कि फला फला की बयान कर दिए, हज़रत अली की ना बयान किए, ये नाज़बियत है, मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में रखता हूँ। और समझिए कि यहाँ से अपनी बात की शुरुआत हो रही है। पहले ये हदीस इस एतराज़ के जवाब के लिए, अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم لامر الله عمر وأصدقهم أحياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن قعب وأفرزهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है जामे तिर्मिज़ी के अंदर 3790 और 3791 दोनों मकाम पर यह हदीस मौजूद है। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा हदीस को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में उम्मत के लोगों पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला शख्स अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں، اللہ کے احکامات کو اس روئے زمین میں نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب ہے۔ دو نام آ گئے، نام یاد رکھیے گا۔ تیسری چیز وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اس امت میں سب سے زیادہ حیا والے شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عُبَيْ بْنُ قَعَبْ اور قرآن کریم کی سب سے اچھی قرأت کرنے والے، قرآن کے سب سے پیارے قاری عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَفْرَدُهُمْ
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میراث کے مسائل کا علم رکھنے والے, اس کا بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وَعَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعْز بن جبل, اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معز بن جبل ہیں. اور یاد رکھو ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, اس امت کے امین عبیدہ بن جراح ہے. آپ نے نام سنے چند صحابی کے, اللہ کے رسول ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر اس کی عظمت کو اس کی فضیلت کو بیان کرتے گئے. حضرت علی کا نام کہاں آیا حدیث میں؟ کہیں آیا حضرت علی کا نام؟ بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا, عمر فاروق کا آ گیا, عثمان کا آ گیا, یہ بڑے صحابی ہیں. آگے چل کے عبی بن قاب کا آ گیا, معاص بن جبل کا آ گیا, زید بن ثابت کا آ گیا, عبیدہ بن جراح کا آ گیا, حضرت علی کا نام ہی نہیں. تو کیا ایسا اگر میں یا ہم جیسا کوئی کریں تو لوگوں نے فتویٰ لگایا کہ بھائی یہ تو ناسبیت کی علامت ہے؟ یہ غلط بات ہے دوستو, اپنی ذہنیت کی اصلاح کیجیے. آگے چلیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی طرف آتے ہیں, اور اس چیز کے لیے الحمدللہ خود ایک ایسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو بیان کرنے والے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فضیلت بھی حضرت علی کی ہے, حدیث کو روایت کرنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں, ہم مسلمانوں کا, ہم اہل سنت مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. فضیلت بیان کرنے سے پہلے یہ عقیدہ اپنا اس لیے بیان کر دے رہا ہوں, بعض دفعہ فضائل کا باب ایسا ہے, فضائل کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس شخص کی فضیلت بیان کرو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت والا یہی شخص ہے. فضائل کا چپٹر جو ہے اسلام میں ایک ایسا چپٹر ہے. آپ کبھی نماز کی فضیلت پڑھیں آپ کو لگے گا نماز سب سے اونچی ہے, کبھی روزے کی فضیلت پڑھ کے دیکھیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا نہیں یار روزے کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے, کبھی آپ حج کی فضیلتیں پڑھ کے دیکھیں ایسا لگے نا حج سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. لیکن سب کے باوجود بھی ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ سب سے افضل نماز ہے اسلام کی بنیاد میں سے, پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے, اس کے بعد روزہ ہے, اس کے بعد حج ہے. یہ ترتیب اللہ کے رسول کی طرف سے متعین کی ہوئی ہے. جب ہم حضرت عثمان کی فضیلت سنیں گے لوگ رو دیں گے, لگے گا ایسا عثمان سب سے افضل ترین صحابی ہے. لیکن ٹھیک ہے ان کی فضیلت سنتے وقت یہ فیلنگ ہوگی, پر افضل صحابی سب سے زیادہ حضرت ابو بکر ہے. ایک چیز. دوسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. ان کی فضیلتیں جو ہے نا وہ بالکل برحق حدیث میں موجود ہے الحمدللہ, لیکن ان کی فضیلتوں کا استعمال کچھ باطل عقیدے اور نظریات کے حامل اپنے فائدے کے لیے بھی کر لیتے ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے علی مشکل کشا لفظ آپ نے سنا ہوں گا, کیا کبھی ابو بکر کے لیے لفظ سنا, کیا عثمان کے لیے یا عمر کے لیے سنا؟ اب وہ علی مشکل کشا لفظ کہنے والے جو یہ لفظ کی ایجاد کیے ہیں اور یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں علی بیڑا پار کرائیں گا کا جو نعرہ لگ رہا ہے, یہ سارے نعرے انہوں نے ان حدیثوں سے استدلال کیے جو حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. آپ بولتے ہیں اکثر بیان کیوں نہیں ہوتا؟ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کا بیان سن کر اپنے ان عقیدوں میں باطل عقیدوں میں اور مضبوط بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی اس کا غلط ریزلٹ نکلتا ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے, حالانکہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس چیز کو عام طور پر بیان کرنے کے لیے. تو آئیے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. انذر رضی اللہ تعالی انذر قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والذی فلق الحبہ وبرا النسمۃ انہ لاحد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی 240 نمبر کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور جان کو پیدا کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا
और वाहिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया हुआ मुझसे ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, तुझसे नहीं मोहब्बत करेगा सिवाय मोमिन के, यानी तेरी से मोहब्बत ये मोमिन की निशानी होगी। वला युबगिदुनी, और ए अली, तुझसे जो भी बुग्ज रखेगा वो मुनाफिक होगा, तुझसे मुनाफिक बुग्ज रखेगा मोमिन मोहब्बत करेगा। आप तसव्वुर कीजिए, ये ईमानियात में से है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और ईमान का हिस्सा जो है ना, वह ऐसा नहीं होता कि जिसम में वक्ती तौर पर मौजूद हो। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं, ये आपकी ईमानियात के हिस्से हैं, ईमानियात के ईमान की बुनियाद है ये चीज़ें। क्या बतलाएं, ये वक्ती तौर पर रहती हैं कि कोई वक्त में महदूद हो, कि एक वक्त महदूद हो, एक महीना महदूद हो, एक हफ्ता या एक दिन महदूद हो कि आप उसमें अल्लाह पर ईमान रखेंगे, फिर उस मामले में नरम पड़ जाएंगे। रसूल से ईमान जो है वो आपके ईमान का हिस्सा है, क्या उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन है? वो हमेशा हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। ये मोहब्बत हर वक्त हर लम्हा, साल का कोई दिन खास नहीं, कोई दिन मखसूस नहीं, कोई महीना या हफ्ता महदूद नहीं, हर वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत एक मोमिन बंदे के दिल में होना चाहिए। यह उसकी ईमान की अलामत है। अगर मोहब्बत नहीं बुग्ज है तो ये निफाक की अलामत है कि ऐसा शख्स मोमिन नहीं, फिर मुनाफिक के दर्जे में चला जाता है। तो दोस्तों, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यही है कि हम सब के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ, ये रिवायत मैंने सुनू की है हज़रत अली की फजीलत के लिए, बयान करने वाले खुद हज़रत अली हैं। इंशाअल्लाह अपने बयान का इख्तिताम भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बयान करता एक रिवायत से करूँगा, तवज्जो दीजिएगा उस बात की तरफ। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुतअद्दद तबकात में तकसीम कर कर, गिरोह में तकसीम करके, उन गिरोहों की जो फजीलत बयान की है, अल्हम्दुलिल्लाह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनमें से हर तबके के अंदर, हर गिरोह के अंदर शामिल है सिवाय अंसार के। मिसाल के तौर पर आप गौर कीजिए, कुरान ने जिक्र किया अस्साबिकून अलअव्वलून, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें शामिल है। कुरान जिक्र करता है मुहाजिरीन का, उनकी अजमत बयान करता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके शामिल है। कुरान जिक्र करता है बदरी साहबी का, उनकी अजमत बयान करता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ भी मौजूद है। कुरान जिक्र करता है बैतुर रिजवान वाले साहबा का, उनकी अजमत जिक्र करता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ भी मौजूद है। कुरान जिक्र करता है अहले बैत का, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली भी मौजूद है। हदीस की तरफ आए, हदीस के अंदर मुबशरा मौजूद है, 10 साहबी जिनका नाम ले लेकर अल्लाह के रसूल ने कहा फला जन्नत में, फला जन्नत में, फला जन्नत में, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। कुरान जिक्र करता है मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के साहबा का, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी मौजूद हैं। कुरान जिक्र करता है, हदीस जिक्र करती है खुलफाए राशिदीन का, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां भी मौजूद है। हदीस जिक्र करती है सहाबा इकराम के एक तबके का, जिसको कातिबी ने वही कहा जाता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां भी मौजूद है। कुरान जिक्र, हदीस जिक्र करती है मुआखात का, यानी अंसार और मुहाजिर के दरमियान भाईचारे का, उनकी फजीलत का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ भी मौजूद है। हदीस जिक्र करती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सियासी हंगामे होने का, हज़रत अली का तस्करा करते हुए फरमाया औला बिल हक, हज़रत अली वहाँ भी मौजूद है। सिर्फ इतना नहीं कि इन सारे तबकों में हज़रत अली की शख्सियत मौजूद है, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक किरदार की हैसियत से मौजूद है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका नाम आ गया कि वो हैं भाई, एक किरदार की हैसियत से उनका एक किरदार जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर देखें अस्साबिकून अलअव्वलून, सबसे पहले पहल इस्लाम लाने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह उन पहले इस्लाम लाने वालों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने तो ये कहा अव्वलु मन असलम, कि सबसे पहला इस्लाम लाने वाला शख्स हज़रत अली है, हालाँकि ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? अव्वलु मन असलम कहकर हज़रत अबू बकर का भी नाम सहाबी ने बयान किया है, हज़रत खदीजतुल कुबरा का भी नाम सहाबी ने बयान किया है। और मैं आपको बताऊं
बताऊं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला की ईमान लाने का आप किस्सा आप पढ़ेंगे कि हजरत अली ईमान कैसे लाए थे, तो आपको मिलेगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला एक दफा हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में आए तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये कैसी इबादत जो हजरत अली ने अब से पहले कभी नहीं देखी थी। वो देखकर कुछ हैरान हुए, पूछने लगे ये क्या है। उन्होंने अब बताया कि हम लोग जो है ना अल्लाह ताला की इबादत करते। हजरत अली ने कहा मैं इस चीज़ को अपने वालिद अबू तालिब के सामने जिक्र करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। अब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू नहीं की थी, हज़रत खदीजा के सामने बात रखी थी, और बात किसके सामने आई थी, अबू बकर सिद्दीक के सामने जो अल्लाह के रसूल के दोस्त थे। ये बात आम नहीं की थी अल्लाह के रसूल ने। जब हज़रत अली ने कहा अबू तालिब के सामने, अल्लाह के रसूल ने मना किया, नहीं नहीं अबू तालिब के सामने जिक्र ना करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वहाँ से चले गए। उसके बाद जो आने वाला दूसरा दिन था, उस दिन में आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। एक वाकया है जो आपको अक्सर हज़रत अली की सीरत किताबों में मिल जाएगा कि इनके इस्लाम कबूल करने का वाकया है। आप देखिए हजरत अली सबसे पहले इस्लाम लाए का नारा लगाने वाले। गौर करें हजरत अली इस्लाम लाए खदीजतुल कुबरा के इस्लाम को देखकर। उनसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा इस्लाम ला चुकी हैं, वो नबी के साथ इबादत कर रही हैं। इन दोनों लोगों को इबादत करते हुए देखकर हजरत अली इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दुरुस्त बात यह है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले थे, बड़ों में मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये वही जैद जिनका नाम कुरान में आया ना। इसके बाद अस्साबिकून अव्वलून में मैं किरदार जिक्र कर रहा हूँ। आपने कई एक दफ़ा वो वाकया सुना होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐलानिया दावत का हुक्म मिला गया, तकरीबन 3-4 साल बाद अल्लाह के रसूल के नबी होने के आपको हुक्म दिया गया ऐलानिया दावत करो। वो 3-3.5 साल तक छुप छुप कर अल्लाह के रसूल दावत दे रहे, ऐलानिया दावत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की दावत की, सबको एक पहाड़ पर सफ़ा पहाड़ी पर जमा किया। वहाँ यही बात हुई ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत पेश की तो वो जो अबू लहब था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हुआ करता था, उसने क्या कहा, तब्बल्लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद तू गारत हो, तू बर्बाद हो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहा तब्बल्लका या मोहम्मद, ए मोहम्मद तू गारत हो, अली हाजा जमातना हाजा, क्या इसी वास्ते तूने हमको यहाँ जमा किया था। वो मकाम था जब यह कुरैश के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरदीद करने पर मुत्तफिक हो गए। उस मकाम पर आप मुसनद अहमद पढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल ये सारे लोग आपका साथ ना दे, मैं अकेला आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। ये साबिकून अलवलून में हजरत अली का किरदार है। आप मुहाजरीन की बात करते हैं, हजरत अली सिर्फ मौजूद नहीं, मुहाजरीन में भी हजरत अली एक किरदार की हैसियत से मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम हिजरत कर रहे हैं, एक के बाद एक हिजरत करते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा इकराम को रोका हुआ, उनको हिजरत करने नहीं दिया, जिनमें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने चुना अपना साथी बनाने के लिए कि सफ़र साथ करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने चुना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मेरे बाद मक्का में मौजूद रहेंगे, और जिन लोगों की अमानतें मेरे पास मौजूद हैं ये उन लोगों की उनकी अमानतें वापस लौटा कर फिर मदीने की तरफ हिजरत करेंगे। अच्छा कमा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत देने के लिए लौटा दिया। हजरत अली का इम्तिहान भी है, इनके ईमान का इम्तिहान है। आप गौर कीजिए, अमानत दे देते हजरत अली जैसा चाहें लोगों को खामोशी से वापस करके जाते हैं, लेकिन नहीं, बात ये नहीं थी। बात ये थी आज रात को मक्का के बड़े बड़े बहादुर ताकतवर पहलवान मिलकर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने के लिए उनके घर का घिराव करने वाले हैं। अल्लाह वही के जरिए नबी को खबर देता है कि आज आपका कत्ल करने के लिए लोग जमा हैं। हजरत अली के कानों तक भी ये बात मौजूद है। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को कहते हैं, अली मैं हिजरत का सफर कर रहा हूं, रात तुमको मेरे बिस्तर में गुजारनी है।
ये कमाल है, जानते हुए भी मक्का के पहलवान ताकतवर बहादुर मिलकर आज कत्ल के इरादे से है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने उजरे में अपने बिस्तर में सुलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में आपकी मोहब्बत में अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस काम को अंजाम भी देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में रात गुजारा, और जब दुश्मन आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला को नबी के बिस्तर में पाया, सब हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए, ये हुआ क्या? उन्होंने कुछ असीयतें भी दी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मालूम भी करना चाहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, नबी के ताल्लुक से उन्होंने किसी राज को उन लोगों के सामने नहीं बयान किया। आप देखें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किरदार, बदरी साहबी है, ऐसे साहबा है बदर के हाजरीन साहबा इकराम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी में कई एक मकाम पर हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने अहले बदर की तरफ नजर डाली और उनके बारे में फैसला कर दिया कि आज के बाद यह कोई भी काम करे अल्लाह तबारक तआला ने सबकी मगफरत फरमा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अहले बदर में है, और कैसे है? मैंने कहा हजरत अली जहां मौजूद है एक किरदार है, एक किरदार। जब जंग होती, अरब का दस्तूर था पहले, जंग होती भीड़ भड़कर वाली जंग नहीं होती कि तुम लोग सारे मिलकर इधर से पत्थर फेंको हम उधर से पत्थर फेंकते हैं बस ऐसा झगड़ा हो गया, नहीं नहीं, उनके यहाँ जंग के अंदर भी आदाब थे, तहजीब थी, वो उस चीज़ का ख्याल रखते थे। दोनों फौजी आमने सामने सफ बस्ता है, उस तरफ से मुश्किन के तीन बहादुर लोग निकल कर आए मुकाबले के लिए, कहा अपने साथियों को भेजो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन अंसारी साहबी को भेजा, उन लोगों ने जब देखा तो कहा नहीं 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 हमें इनसे मुकाबला नहीं करना है, हमारे मुकाबले के वो लोग हैं जो मक्का से भाग कर तुम्हारे यहाँ आए हैं, उनको भेजो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेते हैं, ए हमजा आगे आओ, अली आगे आओ, उबैदा आगे आओ, ये तीन लोग सबसे पहले जंग करने के लिए मुश्किन से मैदान बदर में आगे आए। जंग शुरू हुई, हमजा ने अपने साथी का काम तमाम कर दिया, अली रज़ियल्लाहु तआला ने अपने साथी का काम तमाम कर दिया। अब देखा कि उबैदा जो है ये जख्मी हो गए, कुछ लड़खड़ा रहे हैं, वही जख्म उनकी शहादत का भी सबब बना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला उबैदा रज़ियल्लाहु तआला की मदद के लिए दौड़े, और उबैदा का मध्य मुकाबल जो था उसका काम भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने वहां तमाम किया। इस तरह वो जंग शुरू हुई और खत्म भी ऐसी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला का वहां भी किरदार मौजूद रहा। आप क्या कहें? देखें दोस्तों, बैतुर रिजवान की अगर बात है, ओहद की बात आप करके देखेंगे, ओहद का मार्का ये इस्लाम का दूसरा बड़ा मार्का है। आप देखें इस मार्के को अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुसलमानों ने फतह कर लिया था, लेकिन एक छोटी सी चूक की वजह से हुआ ये कि खालिद इब्ने वलीद जब तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने घुड़सवारी का और हाथियों का एक लश्कर लेकर जबरदस्त हमला किया। वह हमला उनका इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक अटैक था कि मुजाहिदीन सहाबा इकराम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, और ये हालात को समझने के लिए थोड़ा मैदान से तितर बितर हुए, एक तरफ गए, लोग कहते हैं फरार हो गए, फरार नहीं हुए, हालात को समझने के लिए जगह उन्होंने जगह छोड़ी, जगह छोड़कर थोड़ा संभले, देखे तो सही हो क्या गया, ये क्या हो रहा है। ऐसे वक्त में जब सहाबा इकराम इधर उधर चले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में रह गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इधर उधर नहीं गए। उस वक्त ये हुआ कि मुश्किन ने पूरा जोर सर्फ किया कि ऐसे वक्त का फायदा उठाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। चंद एक सहाबा इकराम उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए लगे हुए, उनके ऊपर तीर पड़ रहे हैं, तलवार पड़ रहे हैं, लोग नेजों से हमला कर रहे हैं, ये लोग अपने जिस्म में हर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं। मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त मुसलमानों का झंडा मैदान ओहद में अपने हाथ में लिए हुए हैं, इनको इतने जख्म लगते हैं कि जख्म को बर्दाश्त करने की ये ताकत नहीं रख पाते, बेहोश होकर गिर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, झंडा नीचे गिरने वाला होता है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बढ़कर उस झंडे को अपने हाथ में उठाते हैं।
उस वक्त क्या हुआ, जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने झंडा उठाया तो मुशकीन का जो सरदार था, मुशिकों की तरफ से जो झंडा संभाले हुआ था अबू साद बिन अबी तलहा, इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को फौरन ललकाया, ललकारा, हजरत अली मेरे मुकाबले के लिए आओ, एक तरफ का झंडा मेरे हाथ में, एक तरफ का आपके हाथ में। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इस बदबख्त शख्स की दावत पर लब्बैक कहा, फौरन उसकी तरफ लपके और चंद लम्हों में ही उस शख्स को वासले जहन्नम कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जब थोड़ा सा मुशकीन का हुजूम कम हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबा इकराम के साथ मिलकर उठाए, ओहद के पहाड़, एक छोटे से पहाड़ी पर ले गए, ओहद के करीब ही एक छोटी पहाड़ी पर, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई। आप पानी डालते, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों को साफ करते जाती, उसके बाद चटाई बोरिया जलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई। तो मैंने कहा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला सिर्फ ये नहीं कि हुद में मौजूद है बल्कि किरदार की हैसियत से मौजूद है। बैतुर रिजवान वाले, अल्लाह ने कुरान में उनकी फसीलत बयान की, हजरत अली वहां भी मौजूद है, आम लोगों की तरह नहीं, वहां पर कातिबे सुलह जो बने, जो सुलह नामों को लिखने वाले बने, अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उस सुलह को लिखने वाले। आइए आप आगे बढ़े, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की बात करते, कुरान ने ऐसे सहाबा इकराम का कई जगह बयान किया है। आपने उहद की बात सुनी, बदर की बात सुनी, खंदक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का किरदार है। खंदक जो जंग हुई थी ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के एक सिमत में, जिस सिमत से लोगों के आने का खदशा था, एक बड़ी खंदक खुदा दी, ऐसी खंदक कि कोई उससे इधर आ ना पाए। तब भी चंद एक लोग थे मुशरिकीन के जिन्होंने खंदक को उबोर किया और मुसलमानों को लड़ने की दावत दी। एक शख्स उनमें से था और उस शख्स का नाम क्या है, अम्र बिन अब्दवद, बड़ा बहादुर, मक्का का रहने वाला, बड़ा बहादुर, इतना बहादुर, इतना ताकतवर, मैदान जंग में जब ये लोगों से मुकाबला करता था इस बात की परवाह नहीं करता था कि इसके वार को कोई रोक रहा है, ये यकीन रखता था कि मैं इतना ताकतवर हूं अगर कोई मेरी तलवार के सामने ढाल भी अड़ा दे तो ढाल को तोड़ते हुए मेरी तलवार उसके जिस्म के टुकड़े कर देगी। इतना ताकतवर शख्स था, तभी इतना ताकतवर था। तब ना इसने खंदक को क्रॉस कर लिया, खंदक को क्रॉस करके मुसलमानों को दावत देता है मुकाबले के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अभी उसकी आवाज सुने थे कि सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला उसके तरफ लपके और कुछ ही लम्हों में उस शख्स को भी वासले जहन्नम किया। खंदक के अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का एक बड़ा किरदार था, और इससे भी बड़ा किरदार जो आम तौर पर हदीस की किताबों में मौजूद है, वाइजीन और खतीब जिसको बहुत बयान करते हैं, वो किरदार है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैदान खैबर का। खैबर मदीना के करीब एक इलाका है, यहूदियों ने इसको अपनी छावनी बनाया हुआ था, और यहूदियों का आम तरीका यह होता है कि उस जगह में जो रहते हैं ना, उस जगह को दुश्मन के हमले से महफूज करने के लिए वो बड़ी तकनीक, जो उस वक्त में सबसे अच्छी तकनीक जो हो सकती है उसका इस्तेमाल करते हैं। आज भी देखें जहां यहूद मौजूद है इसराइल के अंदर, वहां पे उन्होंने यही काम किया है मिसाइलों को रोकने के लिए। अभी आपने कुछ दिनों पहले अखबारात में खूब सुना होगा, तो खैबर में भी उन्होंने ऐसी तकनीक इस्तेमाल की थी। वहां ये तकनीक इस्तेमाल की थी कि उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए थे कि कभी कोई हादसा होता है, कोई हम पर अटैक करता है या कोई तूफान आता है, हम लोग उन किलों में अपने आप को महफूज कर लेंगे। किले इतने अजीम थे, वो यकीन रखते थे कि इन किलों में आ जाने के बाद कोई भी हम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों की कुछ साजिशों का आपका इल्म हुआ कि वो लोग मदीना के बारे में कुछ गलत इरादा कर रहे हैं, कुछ गलत साजिशें उनकी हो रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 सहाबा इकराम, बाज़ रिवायत में 1600 सहाबा इकराम को लेकर खैबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ाई की, एक के बाद एक करके कई किले उनके फतह हो गए। कुमूस नामी किला था जो एक लंबी मेहनत के बावजूद भी फतह नहीं हो रहा है। यहूद के बड़े बड़े जो सरदार और लीडर जो थे वो इस किले में महफूज हैं, यहूदियों के जो बड़े पहलवान और जंगजू लोग थे वो इस किले की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई सहाबा इकराम कई दिन की मेहनत कर लिए, आखिर क्या हुआ, आखिर वो बात हुई जो सहल इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किए। कहते हैं यह हदीस जो है सही मुस्लिम की रिवायत है, क्या बोले उन्होंने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाउतियन हादी रायत गदन يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए
कि मैं कल एक आदमी के हाथ में ये झंडा दूंगा, यानी ये जिम्मेदारी, इस लश्कर का अमीर एक आदमी को बनाऊंगा कि जिसके हाथों पर अल्लाह तबारक तआला खैबर फतह कर देगा। ये खैबर का किला जिसके लिए कई दिनों से मेहनतें जारी हैं, उस आदमी के जरिए अल्लाह तबारक तआला खैबर को फतह कर देगा। इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ये बात भी फरमाए कि वो क्या होगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलह, उस आदमी की सिफत यह है, उसकी पहचान यह है कि वो आदमी अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, वह युहिब्बुल्लाह व रसूलह, उस आदमी की यह भी खूबी है कि अल्लाह भी उस आदमी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी उस आदमी से बहुत मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर ये मौजूद है। सही बुखारी के अंदर आप इस हदीस को देखें 2942 में, सही मुस्लिम में 6223 में। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतनी बड़ी बात बोले कि ऐसा आदमी जो जिसके हाथों अल्लाह ताला खैबर फतह कर देगा, ऐसा आदमी जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, ऐसा आदमी जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, हदीस के अल्फाज है यार जो तुम, वो सारे के सारे सहाबा इस बात की तमन्ना करने लगे कि कल वो झंडा उनके हाथ में दे दिया जाए। यहां तक कि सही मुस्लिम के अंदर 6222 नंबर हदीस में मौजूद है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मा अहबबतुल इमारत इल्ला यौमैदिन, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी भी ओहदे की मनसब की चाहत नहीं की, मगर इस दिन मेरे दिल में चाहत पैदा हुई कि वो शख्स मैं हूँ जिसके हाथ में वो झंडा दिया जाएगा। कहा दूसरे दिन मैं हाजिर हो गया, और हाजिर हुआ और क्या किया, मैंने अपनी गर्दन को बुलंद किया, मैंने अपनी गर्दन को बुलंद किया, फतसावरतु लहा रजा अल्लाह अन उदा लहा, वो बुलंद किया, अपने सर को ऊंचा किया कि अल्लाह के रसूल की नजर मुझ पर पड़ेगी, रसूल अकरम मुझको बुलाकर वो झंडा मेरे हाथ में दे देंगे। एक तमन्ना तो सबके अंदर थी। हजरत उमर ने अपना जिक्र कर दिया, भाई मैंने तमन्ना किया, मैं अपने आप को ऊंचा कर लिया, लेकिन देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐन अली इब्न अबी तालिब, लोगो अली इब्न अबी तालिब कहा है, अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है। साहबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल हजरत अली तो बीमार हैं, उनकी आंखों में बहुत शदीद दर्द है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुलाओ तो हजरत अली को। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए गए, उनकी आंखों में तकलीफ थी, बीमार थे। फबसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैही वदा लहू फबरा, सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों में अपना थूक लगाया, अपना लुआब मुबारक लगाया, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की, अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत अली को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेहत याब हो गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में दिया, और हज़रत अली को हुक्म दिया कि आप खैबर के कुमोस नामी किले की तरफ रवाना हो जाए। उस वक्त जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उकातिलुहुम हत्ता यकूनु मिस्लुना, मैं उनसे किताल करूंगा, उनसे जंग करूंगा, इतनी जंग करूंगा कि उन सबको या तो मैं अपनी तरह बना लूंगा या कत्ल कर दूंगा, अपनी तरह बना लूंगा यानी मुसलमान बना लूंगा, या फिर उन सबका मैं कत्ल कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम जाओ तो आहिस्ता के साथ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहत की, देखो जब तुम उस मकाम पर पहुंचो, उदउहु मिलल इस्लाम, तो पहले उनको इस्लाम की दावत देना। उस मकाम पर पहुंचो तो क्या करना, इस्लाम की दावत देना, और उनको बताना कि उन लोगों पर कौन कौन से हुकूक अल्लाह तबारक व तआला के उन पर लाजिम होते हैं, अल्लाह के मकाम क्या है ये उनके सामने पेश करना, अल्लाह के हुकूक क्या बनते हैं ये उनको समझाना। और अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर कहा था, अली याद रखना, अगर एक शख्स तुम कत्ल करने की बात करते हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अली याद रखना, एक शख्स भी अगर तुम्हारे जरिए से हिदायत पर आ जाए तो 100 ऊंट जो भी तुमको मुफ्त में दे दिए जाए ना, उससे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए बात बेहतर होगी। यहाँ एक बात मैं इशारतन समझाते चलूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जब अल्लाह के रसूल ने झंडा दिया, हज़रत अली ने क्या कहा, उनसे किताल करूँगा हत्ता यकूनु मिस्लना, इतना लड़ूंगा कि उनको अपने जैसा बना लूँगा, मुसलमान कर लूँगा उनको। मतलब ये कि ऐसा सख्ती के आलम में भी कोई शख्स मुसलमान हो जाए तो उसका इस्लाम में कबूल है, काबिल एतराज़ नहीं कि तू तो मौत के डर से इस्लाम कबूल किया था। मैंने इस मौजू पर एक बयान पहले कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एक इशारा कर रहा हूँ आप याद रखिएगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर पहले दे चुके हैं कि अब खैबर जो है फतह होना है, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं, आप ये लश्कर लेकर जाओ अली, अपनी फौज लेकर जाओ, लेकिन वहां पहुंचो तो पहले क्या करना, उदू मिलल इस्लाम, उनको इस्लाम की दावत देना, वहां फौज है मध्य मुकाबिल खड़े हैं, हमला करना है, हमला करने से पहले इस्लाम की दावत देना, उस वक्त भी कोई इस्लाम कबूल कर ले आपके लिए सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा बेहतर है। ऐसे वक्त का इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं फतह मसा मक्का के वक्त जो इस्लाम कबूल है, कत्ल होने के डर से कबूल कर लिए, हम उनके इस्लाम को नहीं तस्लीम करते। ऐसे हैं बाज़ भाइयों ने, मैं बाज़ भाई की आवाज़ लफ्ज़ों में कहूँ, इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने ये बात फैलाई हुई है, जो लोग उसको तस्लीम करते हैं उनके दिल में भी ये बातें आ जाती है, उसका पूरा बयान है इस ताल्लुक से। एक आगे चले दोस्तों, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखें वहाँ 1400-1600 सहाबा इकराम हैं खैबर के मैदान में, खैबर में के मकाम में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से झंडा किसको दे रहे हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यह समझ में आता है ना कि उन लोगों में हज़रत अली का एक मकाम है और वह मकाम बहुत बुलंद मकाम है कि लोग चाहत कर रहे हैं कि वह हम बने। हज़रत उमर ने चाहत जिक्र की, कहा मा अहबबतुल इमारत इल्ला वा मस्जिद, मैंने उस दिन इमारत की तलब की थी, मुझको इमारत मिले, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा था। क्या हुआ ना, मैंने कहा जैसे ना हजरत अली की फजीलत से बाज बातिल नजरियात के लोग बातिल बातें अखज भी कर लेते हैं। अब लोगों ने इससे क्या बात अखज की, मतलब लोगों ने कहा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्जा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा है, यह हदीस इसकी दलील बन गई। मैं पहले इसलिए रखा था कि हमारे नजदीक सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अभी कल की बात है, मैंने एक फेसबुक ऑन किया तो एक शिया जाकिर का, शिया आलिम का बयान आया। वो बयान में ये बात रख रहा था कि उनने कई अहले सुन्नत के लोगों को, लोगों के वास का, उनकी किताबों का जिक्र किया कि उन्होंने हज़रत अली की फजीलत में कितना कुछ लिखे है, और फिर तंजिया जुमला कसते हुए उसने बात की कि भाई तुम किताब लिख रहे हो उनकी फजीलत में, बयान करो उनकी फजीलत में, फिर पूछो पहला नंबर किसका, तो कहते हो अबू बकर का। उसने फिर मजाक उड़ाया मुसलमानों का। मैंने अली मिर्ज़ा का एक बयान सुना, जो बयान उसने तौसीफुर रहमान साहब के एक क्लिप के रद्द में किया था, और तौसीफुर रहमान की वो क्लिप थी जिसमें यह जिक्र किया गया था, एक ज़ईफ हदीस थी, हदीस ज़ईफ है इससे इनकार नहीं, वो अली मिर्ज़ा ने बताया, वो दुरुस्त किया उसने कि उसके ज़ौफ को बयान किया, वो हदीस जिक्र की कि हजरत आयशा सिद्दीका ने आसमान के तारों की तरफ नजर डाली, कहा इतनी नहीं किया किसकी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उमर की, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा उमर की, तो वो कहेंगे मैंने तो सोची थी कि मेरे वालिद की, तो कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे वालिद ने एक रात जो गार में मेरे साथ गुजारी थी ना, वो एक रात की नहीं किया इन तारों से बढ़कर है। हदीस ज़ईफ है, ज़ईफ है ये हदीस, कभी तौसीफुर रहमान ने अबू बकर की फजीलत में बयान कर दी होगी। तो इसके रद्द करते हुए अली मिर्ज़ा का बयान आया, उसकी क्लिप आई, उसमें यह बात उसने रखी कि हजरत उमर जो है अपने आप को अली जैसा बनाने की चाहत रख रहे हैं। दलील यही हदीस थी खैबर में झंडा देने की, अल्लाह के रसूल ने बात की थी, हजरत उमर कहने लगे मैं। अब आप बता दें, तो शियों के भी बाज़ लोगों ने इस हदीस को दलील बनाया, कहा अहले सुन्नत की किताबों से हम दलील देते हैं कि हजरत अली जो है वो उमर से अफजल है, दलील यह हदीस दी, अली मिर्ज़ा ने उस चीज़ की तरफ इशारा किया। अब मैं एक हदीस आपके सामने देता हूँ, हदीस का हवाला देखे, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सही बुखारी की हदीस है 3685 नंबर, ये इस्लाम 360 का मैं हवाला दे रहा हूँ, आप उससे निकाल सकते हैं, और जो भी हवाले अब तक मैंने दिया है सब इस्लाम 360 से मैच करके लाया है। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए, उनकी लाश को हमने एक चादर पर, एक चारपाई पर रखा, उस वक्त लोगों का हुजूम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश के इर्द गिर्द, एक के बाद एक आते हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रहमत की मगफरत की दुआ करते जाते, देखते जाते 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 किसी आंखों में आंसू था, किसी का चेहरा मुरझाया हुआ था, सब गमशुदा थे, हर कोई गमशुदा, मैं भी वहाँ खड़ा था, अचानक किसी शख्स ने पीछे से मेरे कंधे में हाथ रखा, मैंने देखा तो वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे कांधे में हाथ रखे, इब्ने अब्बास के कांधों में, कहा उस वक्त मैंने हजरत अली की ज़बानी सुनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर के लिए दुआ की, दुआए रहमत की, और उस वक्त कहा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत उमर की लाश की तरफ रुख करते हुए यह बात फरमाया, मा खल्लफ्ता रजुलन अहब्बा इलैया अन यल्क़ल्लाह
बिमिसली अमलिहि मिनका। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए, सही बुखारी के अल्फाज है, ए उमर तुम चले गए लेकिन अपने बाद तुमने कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़े कि उसको देखकर मैं तमन्ना करूं कि अल्लाह से जब मेरी मुलाकात हो तो मेरे अमल उसके अमल जैसे हो जाए। हजरत उमर सिर्फ तुम अकेले शख्स थे कि तुमको देखकर मेरे अंदर यह तमन्ना आती थी कि अल्लाह मेरे अमल भी हजरत उमर जैसे अमल हो जाना चाहिए। यह हजरत उमर का जुमला है, बतलाओ फिर हजरत उमर अपने हजरत अली का जुमला है। देखो तो सही, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद को हजरत उमर से छोटा समझते हैं और चाहत रखते हैं हजरत उमर जैसा अमल वाला बनने की। सही बुखारी के अल्फाज हैं 3685 नंबर के। चलिए आगे चले, अल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में शरीक हुए। सारे ग़ज़वे जितनी जंगें अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में लड़ी, हर जंग में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीक रहे। एक जंग ऐसी थी जिसमें हजरत अली की शिरकत नहीं हो पाई, वो है ग़ज़वा तबूक। यह ग़ज़वा है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। यह वही ग़ज़वा, कभी आपने बयान में सुना होगा, यह तीन लोग जो उस ग़ज़वे से पीछे रह गए सहाबा इकराम, और उनका पूरा वाकया, बहुत से लोग थे लेकिन तीन ने जो है सच बोला, झूठ नहीं बोला। बहुत से मुनाफिकीन थे, झूठ बोल गए, ये साहबी थे सच बोले, और फिर इनकी बरात के लिए, इनकी पाकी के लिए जो कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, ये वही ग़ज़वा तबूक है। ये उस वक्त का मामला है जबकि मदीना में जो ना खजूर के फल जो है बिल्कुल पक कर तैयार थे, यानी किसान अब पूरी तैयारी में था कि अपने फल तोड़ना है हमको, एक नहीं साल भर का मुनाफा जो है वह अब हासिल होने वाला है। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल को खबर लग जाती है कि रूम के करीब एक इलाके के लोग, तबूक के लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई के लिए तैयार है। वो पूरी तैयारी कर ली उन्होंने, मुल्क शाम से कोई काफिला आ रहा था, उसने खबर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इकराम कहते हैं, बड़ी परेशानी का आलम। यही वो मौका है जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 100 ऊँट कुर्बान किए थे। यही वो मौका है ना, यही वो मौका है जबकि साहबा इकराम जो अपने घर को झाड़ू तक उठा कर ला कर दे दिए थे। अल्लाह के रसूल सबसे ताउन की अपील कर रहे हैं। उस जंग में जब जाने लगे तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी कि जो मुनाफिकीन मदीना में रहने वाले हैं, ये मदीना में कुछ शरारत करने का इरादा बना रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल की और मदीने वालों की निगरानी के लिए, हिफाजत के लिए अली रज़ियल्लाहु ताला को मदीना में छोड़ते हैं और अपना सफ़र आगे की तरफ चलते हैं। मुनाफिकीन ने ये बात देखी तो उनको तो किसी भी तरह से फ़ायदा उठाना होता है कोई भी बात का, उन्होंने इसका भी फायदा उठाया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मशहूर कर दिया कि हजरत अली तो ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल उनको अपने साथ सफर में भी रखना पसंद नहीं करते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, वो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस चीज़ का जिक्र किया और चाहत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी चलूँ। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि ऐ अली, हजरत अली ने फरमाया अतुखल्लिफुनी फिस्सिबियान वन्निसा, अल्लाह के रसूल आप जंग के लिए जा रहे हैं, जिहाद के लिए जा रहे हैं और मुझको बच्चों और औरतों के बीच में छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया अला तरजा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, ए अली क्या उस बात पर तू राजी नहीं कि तेरा दर्जा मेरे साथ वही हो जाए जो दर्जा हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, तेरी निस्बत मुझसे वही हो जाए जो निस्बत हारून की मूसा के साथ थी। यह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत के लिए बहुत बड़ी बात है। एक नबी हारून भी नबी है और मूसा भी नबी है। हाँ, अल्लाह के रसूल ने भी बात कहा अला अन्नहु ला नबी अबादी, हाँ हाँ ये बात जरूर है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तुम दर्जा तुम्हारा, मंजिलत तुम्हारा, निस्बत तुम्हारी वो है जो हारून की मूसा के साथ थी, वो निस्बत तुम्हारी अली मेरे साथ है लेकिन नबी नहीं, नहीं मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब क्या हुआ, मैं कहा ना हजरत अली की फजीलत में जो रिवायतें आई हैं उनका इस्तेमाल वाकई बहुत गलत भी किया गया है। शियों ने इस हदीस को भी इस्तेमाल कर लिया और इस हदीस को तो दलील बनाया है कि हजरत अली तमाम सहाबा इकराम से सबसे ज़्यादा अफजल हैं। जो शियों का एक अकीदा है ना कि खलीफा है बिला फसल, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद जो सबसे पहले खलीफा वो हजरत अली है, इसी हदीस से दलील लिया है। दलील इस हदीस से लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसा तोला जैसा मूसा हारून के साथ, ऐसा अली मेरे साथ, तो कहा
हजरत अली खलीफा हो गए बिला फसल खलीफा, मेरे बाद अल्लाह के रसूल के फौरन बाद कौन। लेकिन ये इस्तिलाल गलत है, उनका बातिल है। बातिल इसलिए है कि ये नस्बत जो उन्होंने खिलाफत की बिठा दी यहाँ पर वो जमती नहीं है। उसकी वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत पहले, बाज़ मुकर्रिखीन ने 40 साल लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम से 40 साल पहले हज़रत हारून वफात पा चुके थे, तो फिर वो हज़रत मूसा के खलीफा बने ही नहीं, हारून मूसा के खलीफा बने नहीं। लिहाजा इस हदीस को खिलाफत पर फिट कर ये बेवकूफी है। अच्छा, शियों का एक फिरका है ज़ैदी फिरका, आपने कभी नाम सुना होगा। ये फिरका ये कहता है कि ठीक है खलीफा अबू बकर है, हज़रत अबू बकर की खिलाफत को तस्लीम करता है, खलीफा अबू बकर है, लेकिन अली अबू बकर से अफजल है। ये हज़रत अबू बकर की खिलाफत को तो मानता है लेकिन अफजलियत हज़रत अली की अबू बकर से मानता है। दलील यही हदीस देता है, दलील ये हदीस देता है कि भाई ठीक है हारून वो खलीफा नहीं थे, खलीफा कौन बने? यूशा बिन नून। खलीफा कौन बने थे? यूशा बिन नून बने थे। हारून खलीफा नहीं हुए हजरत मूसा के, हारून खलीफा नहीं हुए हजरत मूसा के, यूशा बिन नून हुए। तो कहा अली खलीफा तो नहीं हुए मूसा के, लेकिन फजीलत तो सबसे ज्यादा मूसा के बाद हारून की बैठती है, इसलिए फजीलत सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद किसकी बनती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बनती है। हदीस से इस्तिलाल उन्होंने किया, दलील बनाते हैं, वो दावे के साथ कहते हैं अहले सुन्नत की किताबों से हम दलील दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई वाकई हदीस नंबर ये नंबर मरूब हो जाते हैं, झांसे में जाते हैं, वो नज़रिया अपने अंदर पाल लेते हैं। याद रखना चाहिए फितनों के आने से पहले, फितने के करीब पहुंचने से पहले फितनों के बारे में आगाही का हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आदमी फितनों के आने से पहले फितनों का इल्म हासिल कर ले, फितनों में कभी मुब्तला नहीं होगा, लेकिन जो मुब्तला हो गया उसका निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बतला दूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बानी कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल कौन? मोहम्मद बिन हनफिया। आपने नाम सुना, हजरत अली के एक बेटे हैं, हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन के भाई हैं, यानी माँ अलग अलग है, बाप दोनों के हजरत अली हैं। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने अपने वालिदे मोहतरम हजरत अली से कहा अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल हो रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अबू बकर है। यह हदीस सही बुखारी की 3671 है, इस्लाम 360 में मिलेगी आपको। कहा सबसे अफजल अबू बकर है। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं मैंने फिर पूछा उनके बाद कौन? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा उनके बाद सबसे अफजल हज़रत उमर है। मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं अब मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं मैं आप पूछूं उनके बाद कौन, तो ये हज़रत उस्मान का नाम तो नहीं ले देंगे। तो मैंने अब ऐसा नहीं पूछा कि उनके बाद कौन, मैंने डायरेक्ट कहा कि हज़रत उमर के बाद तो फिर आप हैं। मैंने क्या कहा कि हज़रत उमर के बाद तो अली है, वालिदे मोहतरम आप हैं। तो हज़रत अली ने कहा नहीं नहीं, मैं तो उस उम्मत का एक अदना सा इंसान हूँ, हज़रत उमर के बाद मेरा नंबर नहीं, नहीं हज़रत उमर के बाद भी मैं नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने उमर के बाद भी अपना नंबर आने से इनकार कर दिया। तब हम यही तो बोलते हैं कि शान तो हज़रत अली की बहुत है, लेकिन हज़रत अली ने ही तरतीब बताई कि हज़रत अली का नंबर चौथा फंसता है, हज़रत अली का पहला नंबर नहीं बनता। जो आपने दलील लिए ना, अच्छा ठीक है, चलिए जी वक्त शायद मेरा ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बात को बढ़ाता हूँ। यही हदीस मैं अली मिर्जा का बयान करता हूं, अली मिर्जा का एक बयान मैंने सुना। यही हदीस जो है ना, ये हदीस जो मैंने अभी आपके सामने रखी, कौन सा? ग़ज़वा तबूक वाली, कि अल्लाह तआला से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपका दर्जा आपकी निस्बत मुझसे वो हो जाए जो हारून की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। अली मिर्जा इस हदीस को बयान करते हुए क्या कहता है? क्यों जी, मूसा की सबसे ज्यादा खिदमत किसने की? यूशा बिन नून ने की क्या? मूसा के साथ सफर अज़र में कौन रहा? यूशा बिन नून रहे क्या? यह अली मिर्जा के जुमले हैं। भाई मूसा के साथ सबसे ज्यादा दोस्ती, सबसे ज्यादा लगाव, मोहब्बत किसको थी? यूशा बिन नून को। किसको थी? हज़रत हारून को थी।
तो कहा हजरत अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अली तेरी नस्बत मुझसे वही है जो मूसा के साथ हारून को नस्बत थी। तो उसने भी ये बात जो जैदियों का अकीदा है ना कि खिलाफत तो ठीक है अबू बकर की लेकिन अफसर जो है वो हजरत अली है, उसने भी ये बात इस हदीस से साबित की कि खिलाफत तो यूशा बिन नून की लेकिन हजरत मूसा के साथ सबसे ज्यादा साथ रहने वाले, सबसे ज्यादा मूसा का साथ देने वाले, सबसे ज्यादा मूसा की खिदमत करने वाले, सबसे ज्यादा मूसा से मोहब्बत रखने वाले वो हारून है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा गर्चे अबू बकर है लेकिन इस हदीस की रूह से अली मिर्जा कहता है कि अफजल जो है वो हजरत अली है। अल्लाह अकबर। देखा आपने हजरत अली से जब सवाल हुआ तो हजरत अली ने क्या कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा, अबू बकर है। लेकिन अल्लाह के बंदे अली से मोहब्बत का दावा खूब है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बात भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अब आगे चलिए दोस्तों, बात बहुत लंबी होते चले जा रही है। आगे देखें अली रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत में एक हदीस देखें। अन ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल यह हदीस जो है जाम में सही बुखारी के अंदर 2699 में, तोबा, यह हदीस जाम तिर्मिज़ी के अंदर 3713 नंबर मौजूद, 3713 नंबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। मतलब मौला लफ्ज़ का क्या माना होता है, मौला लफ्ज़ ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो अपने अंदर बहुत सारे तर्जुमे जमा किए हुए हैं लेकिन आम तौर पर मौला का जो तर्जुमा किया जाता है वो दोस्त, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है उसको अली से भी मोहब्बत रखनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे मोहब्बत की बात करो और अली से आप मोहब्बत ना करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे दोस्ती की बात करो, मुझको अपना दोस्त समझो और हज़रत अली से तुम दोस्ती ना करो। नहीं, अगर आप मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो शर्त है आपके लिए कि आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मौजूद है। यह हदीस मवालात जो है इसको भी शियों ने इस्तदलाल किया इस बात के लिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बिला फसल है, हज़रत अली की शान है। मैं कहता हूं हजरत अली की शान बहुत बुलंद है लेकिन इसको आप उस मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के अलावा और भी सहाबा इकराम है जिनको अपना मौला करार दिया है। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में सही बुखारी 2699 नंबर हदीस है, आप इस्लाम 360 में देख सकते हैं। ज़ैद इब्न साबित के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अंता खूना व मौलाना, ऐ ज़ैद तुम हमारे भाई भी हो तुम हमारे मौला भी हो। अल्लाह के रसूल हजरत ज़ैद को अपना मौला कह रहे हैं। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2900 इस्लाम 360 में मिलेगा आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मौला मल्ला मौला लहू, जिसका कोई दोस्त ना हो मैं उसका दोस्त हूं, जिसका कोई मौला ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के हर शख्स का मौला हूं जिसका कोई दूसरा मौला ना हो। यह असल में मौला वारिस के मानों में इस्तेमाल किया गया है लेकिन हम देखते हैं ना मौला लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, अपने दीगर सहाबा के लिए भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अली के लिए इस्तेमाल हो गया तो आपके खलीफा बिला फसल हो गए। मैं कहूं शान अली बहुत है। आगे चले एक हदीस की तरफ, वो भी तिर्मिजी की 3712 नंबर हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना अलियम मिनिवान मिनहु वह हुआ वलीयुन कुल्ले मुस्लिम मिन बादी, कि मैं अली से हूं अली मुझसे हैं और मेरे बाद हर मोमिन का वली हजरत अली है। जामे तिर्मिजी की रिवायत है। भी अली की शान है दोस्तों, वक्त कम है मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़ा मुख्तसर बतलाऊँ। वाकई हदीस हजरत अली की शान बयान करती है लेकिन इस हदीस का इस्तेलाल भी बहुत से लोगों ने गलत मानों में किया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपने कहा कि अली मुझसे है मैं अली से हूँ, लोगों ने बहुत गलत माना उसका लिया। याद रखे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज कई एक सहाबा के लिए किए, मसलन हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद का मार्का खत्म होने के बाद सहाबा से शहीदों को ढूंढो, कोई कम तो नहीं पड़ रहा, कोई गैर हाजिर तो नहीं है, किसी की लाश गायब तो नहीं है। सहाबा ने सबको तलाश करके लाया, जमा कर लिए, कहा नहीं नहीं नहीं। आखिर में जाकर एक शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा मैं जुलैबीब को नहीं पा रहा हूं, जुलैबीब कहां गए, न जिंदों में न शहीदों में, जुलैबीब कहां है। सहाबा इकराम फिर गए तो देखा, सहाबा इकराम ने देखा कि 7 काफिरों की लाशों के दरमियान जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश मौजूद है।
उनको उठाकर लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी रान मुबारक पर रखा और उस वक्त कहा, हादा मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। यह हदीस सही मुस्लिम की 1358 नंबर है। इस्लाम 360 में आप इस नंबर पर हदीस देख लेंगे। इसी तरह सही मुस्लिम में आप देखें 6408 नंबर की एक हदीस, उसमें कबीला था, कबीला आशारीयीन। उस कबीले के लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फहुम मिन्नी वाना मिनहुम, वो सारे कबीले वाले मुझसे हैं और मैं उन कबीले वालों में से हूँ। वैसे ही जैसा हजरत अली को कहा, हजरत अली मुझसे हैं, मैं हजरत अली में से हूँ। कबीले वालों को कहा, वो कबीले वाले मुझसे हैं, मैं उनसे हूँ। क्या मतलब लेंगे इसका भाई? हदीस के वही अल्फाज तो यहाँ पे भी मौजूद है। फिर इसके अलावा एक और कबीला था, कबीला नाजिया, मुसनद अहमद की रिवायत है। इस्लाम 360 में अभी मुसनद अहमद मुकम्मल नहीं चढ़ी, इस हदीस का नंबर इस्लाम 360 में नहीं मिल पाएगा। उसमें इस कबीला नाजिया के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आना मिनहुम व आना वहुम मिन्नी, मैं उस कबीले से हूँ, कबीला मुझसे है। हज़रत अली के बारे में भी ये बात कही थी ना, वहाँ लोगों ने खलीफा अबला फसल कर लिया। जुलैबीब के बारे में भी ऐसी कुछ बात कहेंगे, कबीला आशरीयीन के बारे में भी ऐसी बात कहेंगे, कबीला अबू बनू नाजिया के बारे में भी ऐसी बात कहेंगे। ये कबीले आप तो जाने दीजिए, आप खलीफा अबला फसल की बात बड़ी दूर की है, ये कबीले तो खिलाफत के हकदार ही नहीं। क्यों? खिलाफत का हकदार तो अल्लाह के रसूल ने कबीला कुरैश को मुंतखब किया था, अल्लाह के रसूल। चलिए मैं बात को ख़त्म कर देता हूँ इसे एक हदीस बयान करके। मैंने शुरू में कहा था ना, मैं शुरुआत भी जो है हज़रत अली की फजीलत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के कौल से कर रहा हूँ, इख्तिताम में उनके कौल से करूँगा। बातें बहुत कम कहने की थी लेकिन बात को यहाँ समेट रहा हूँ दोस्तों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला उनकी उस बात को देखे, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुसनद अहमद मशहूर किताब है, आप लोग उसको जानते होंगे। इन्हीं इमाम अहमद इब्न हम्बल ने किताब अलग से सहाबा इकराम की फजीलत के बारे में लिखी है, जिस किताब का नाम लिखा है फ़ज़ाइलुस सहाबा। उस किताब के अंदर उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से मरवी दो रिवायतें, दो उनके अकवाल जिसको हम लोग मौकूफ़ रिवायत कहते हैं, उसको जिक्र किया है। और बाज़ लोगों ने उन रिवायतों को मरफू करार दिया, मरफू इसलिए कि उसमें गैबी हालात की खबर दी, आने वाले हालात की खबर दी। आने वाले हालात की खबर देना हज़रत अली के इख्तियार में नहीं है, ये खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते हैं। लोगों ने इस तरह इस्तेलाल किया है कि वो जो है मरफू रिवायत का दर्जा रखती है। उसमें क्या है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मेरे ताल्लुक से, मेरे बारे में या मेरी वजह से दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। एक वो कौम के लोग जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे और मोहब्बत में गुलू कर जाएंगे, हंसी आगे निकल जाएंगे, वो लोग जहन्नम में जाएंगे। दूसरे वो लोग जो मुझसे नफरत करते होंगे, वो मेरी नफरत के सबब जहन्नम में जाएंगे। ये फ़ज़ाइलुस सहाबा की जो है 964 नंबर की रिवायत है। एक और रिवायत 952 में है, उसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, ला युहिब्बुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन्नार फी हुब्बी वला युबग़िज़ुनी कौमुन हत्ता यदखुलुन्नार फी बुग़्ज़ी, के बाद में कौम ऐसी आएगी जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी, इतनी मोहब्बत कि मेरी मोहब्बत की वजह से वो जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, आग में दाखिल कर दिए जाएंगे। और एक कौम ऐसी आएगी जो मुझसे नफरत करेगी, ऐसी नफरत कि मेरी नफरत की वजह से वो कौम जहन्नम में चले जाएगी। मैंने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, वो होना चाहिए। यह बात खुद हज़रत अली ने बयान की, लेकिन उसमें अगर गुलू हो गया, उसमें अगर हम ज़रूरत से आगे निकल गए, उसमें हम यहूद और नसारा के रास्ते पर चले गए, तो कुछ नहीं, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के ये फरामीन, ये पैगामात हम पर भी चस्पा हो जाए, जो हज़रत अली ने कहा कि मेरी वजह से कुछ लोग जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। आखिर में ये दोस्तों कि देखें, एक ऐसा शख्स जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से बहुत मोहब्बत किया करता था, मोहब्बत का बड़े दावेदार था, ओहदे और मनसब को हासिल किया हुआ था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, यही वो शख्स हुआ जो मोहब्बत भी खूब करता था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का कातिल भी खुद बना। बड़ा नेकोकार बना हुआ था, बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, तहज्जुद नहीं पर छूटती थी, जिक्र अस्कार अल्लाह के जिक्र हमेशा इसकी जबान में हुआ करते थे। लेकिन क्या बात हुई, तीन लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की कि अपन लोग
तीन अलग अलग सहाबा इकराम को शहीद करते हैं। एक को कहा तुम जाओ माविया को शहीद करो, एक को कहा तुम जाओ अमर इब्ने आस को शहीद कर दो, एक को कहा तुम जाओ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दो। वक्त तय किया गया, तारीख तय की गई, रमज़ान का महीना था, 10 रमज़ान था गालिबन, इन्होंने तारीख भी तय की, ये भी तय किया फजर की नमाज में जबकि अंधेरे में नमाज होती थी, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हमको इनको शहीद करना है। तीनों लोग अपने अपने इरादे के लिए निकल पड़े। उस वक्त अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को शहीद करने के लिए कूफा की तरफ आया। फजर की नमाज में इसने अपने धारदार हथियार से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के सर में ऐसा सख्त वार किया था कि जो जबड़े की हड्डी होती है ना, इस हड्डी तक उसकी तलवार घुस पड़ी थी। इतना सख्त हमला इसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने उस पर किया। और ये कहता था अगर मैं बच के आ गया तो मैं कामयाब हूँ, और अगर मैं वहाँ पकड़ कर कत्ल कर दिया गया तो मैं अफजल तरीन शहीदों में शुमार किया जाऊँगा। क्या नज़रिया था उसको देखे। पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शिया हुआ करता था, आपके ग्रोह का एक फ़र्द हुआ करता था। यही होता है जब मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा होती है उसके ऐसे नतीजे ज़रूर आते हैं। बाज़ लोग कहते हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे ना, उनकी दूरंदेशी ये थी कि वो उस चीज़ को महसूस किया करते थे कि जो लोग हज़रत अली के बड़े महबूब होने का दावा कर रहे हैं वो लोग ख़राब लोग हैं, आने वाले वक्त में चल कर वो कोई बड़ा फितना करेंगे। नंबर एक, उन्होंने खारजी नाम का एक ग्रुप बनाया। नंबर दो, नहरवान की जंग के बाद उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को शहीद करने की प्लानिंग की। सिर्फ हजरत अली को नहीं, उन्हीं लोगों ने हजरत माविया को भी शहीद करने की प्लानिंग की। वो सब एक थे। आज मुसलमान इस चीज को समझ में नहीं पा रहे। मुसलमानों ने हजरत अली और माविया को अलग अलग किया, उन लोगों को भूल गए कि वो तीसरा कौन लोग था जिनने दोनों को लड़ाकर यह गेम खेला है, और फिर दोनों को शहीद करने की प्लानिंग भी की। हम लोग उनके चंगुल में आए हुए हैं, और नऊज़ बिल्लाह आज ऐसा बिल्कुल ऐसा है कि हम सहाबा को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। बिल्कुल ऐसा हो गया है। बनू उमैया हम एक ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं गोया ये सहाबा नहीं थे, कोई और थे। ये लफ्ज़ ज़बान में इस अंदाज से आता है लोगों के, बनू उमैया मतलब कोई अलग से कोई तबका है, सहाबी नहीं है भाई। वो इस अंदाज से इस चीज़ को बयान किया जाता है। नहीं दोस्तों, याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की बेपनाह फजीलतें, बहुत सारी फजीलतें हदीस में मौजूद है। फिर मैं ये कहता हूँ उन तमाम फजीलतों के बावजूद भी हज़रत अबू बकर सबसे अव्वल, उमर दूसरे नंबर पर, उस्मान तीसरे पर, चौथे नंबर पर हज़रत अली हैं। यह अकीदा किसी और का नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का खुद है। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल की बाज़ हदीसों में भी यह बात मौजूद है, और सहाबा इकराम का इजमाई और मुत्तफ़िका अकीदा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेक बनाए, अल्लाह तआला हम सबके अकीदे और हमारे ईमान की आमाल की अल्लाह तआला इस्लाह फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इट्स अल फज्र एजुकेशनल फाउंडेशन प्रेजेंटेशंस।